नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर है नगर पंचायत बदलापुर जौनपुर के पुरानी बाजार गांव के वार्ड नंबर 7 के निवासी कुलदीप शर्मा पुत्र दयाशंकर शर्मा तथा अर्जुन शर्मा पुत्र अमृतलाल शर्मा के घर वालों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। ये घटना 29 दिसंबर की शाम लगभग 4 बजे की है। कुलदीप शर्मा और उनके लड़के गोपाल अपनी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर बैठे हुए थे कि दुर्गेश शर्मा पुत्र स्वामीनाथ शर्मा दुकान पर गए और प्रथम पक्ष के कुलदीप शर्मा के बेटे गोपाल शर्मा से कुछ कहा सुनी करने लगे। सूचना मिलने पर द्वितीय पक्ष के अर्जुन शर्मा, गौरव प्रशांत, सौरभ, विंध्यवासिनी आदि लोग मौके पर पहुंचकर प्रथम पक्ष के लोगों को ललकारते हुए गाली गलौज देने लगे। कुछ देर में प्रथम पक्ष के लोग भी वहां पर आ गए और दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज मारपीट में बदल गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे से मारपीट होने लगी। चीख पुकार सुनकर वहां पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलने पर स्थानीय कोतवाली प्रभारी विष्णु कुमार मिश्रा जी मौके पर अपनी पुलिस टीम, अपराध नियंत्रक एसओ संतोष कुमार श्रीवास्तव, दिग्विजय यादव, मनोज गिरी आदि पुलिस टीम के साथ पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों को अपने साथ कोतवाली लाए, जिसके बाद उन्होंने दोनों पक्षों के घायलों को बेहतर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदलापुर भेजा तथा मेडिकल मुआवजे भी करवाया। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में कुल मिलाकर 6 लोग घायल हुए, जिसमें प्रथम पक्ष के आशुतोष व अमरीश पुत्र हरजीत शर्मा, गोपाल पुत्र कुलदीप शर्मा तथा द्वितीय पक्ष के दुर्गेश शर्मा पुत्र स्वामीनाथ शर्मा, गौरव शर्मा पुत्र वेद प्रकाश शर्मा चोट गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कोतवाल का कहना है कि मामले की जांच पूरी होने के बाद दोनों पक्षों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये खास रिपोर्ट थी कैमरामैन कृष्णा के साथ संवाददाता धर्मेश शर्मा की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।